दोस्तों, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड का नाम तो सुना ही होगा। फेमस शो है और शूट होता है, यानी कि घटनाक्रम असली नहीं होता, स्क्रिप्टेड होता है। और बेयर गर्ल्स कैमरा के सामने होते हैं, कैमरा के पीछे करीब 20 लोगों की टीम भी होती है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं रियल मैन वर्सेस वाइल्ड, जहां मैन था उसके खिलाफ वाइल्ड था, तीसरा कोई भी नहीं था, ना कोई कैमरा क्रू, ना ही कोई टीम। और फिर भी वो वापस जंगल से बच के निकल आया। ये चमत्कारिक घटना हुई राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, वही राजा जी नेशनल पार्क जहां मेरा रिजॉर्ट जंगली रिजॉर्ट है। यह घटना जंगली रिजॉर्ट से करीब 12 किलोमीटर दूर की है। इस मैन वर्सेस वाइल्ड के हीरो का नाम है अनुराग सिंह। इस सच्ची कहानी में अनुराग जी ने झेला लेपर्ड का हमला, गंगा नदी पार की लकड़ी के तैरते लट्ठे पर और पेड़ पर चढ़ के रात गुजारी, वो भी एक रात नहीं, दो रातें। उसके बाद अनुराग को बचा लिया गया, वो भी बिना किसी खनोज के। अनुराग सिंह जो कि गुब्बारे बेचने का काम करते हैं, बिजनौर वापस आ रहे थे ऋषिकेश से, जहां वो गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा करते हैं। राजा जी नेशनल पार्क के चिल्ला एरिया के पास एक जगह अनुराग ने अपनी बाइक खड़ी की अपनी सेल्फी लेने के लिए, क्योंकि प्रकृति का नजारा इतना सुंदर था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। लेकिन अनुराग जब अपना चेहरा अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे में देख रहे थे, तब वो अकेले नहीं थे जो अपना चेहरा देख रहे हो, वहां कोई और भी था जो अनुराग को देख रहा था, जो शायद सोच रहा था कि उसके डिनर का इंतजाम हो गया। वो था एक खूंखार लेपर्ड। अचानक झाड़ी से निकलकर लेपर्ड सामने आ गया। लेपर्ड अनुराग पर जंप करता, उसके पहले ही अनुराग ने गंगा जी में छलांग लगा दी। किस्मत से छलांग लगाते ही अनुराग को एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अनुराग ने वो लकड़ी पकड़ ली और पहुंच गए गंगा नदी के डेल्टा पर, जहां सिर्फ जंगल था और चारों तरफ गंगा जल। वैसे तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन कभी कभी लोगों की जान भी बचा लेता है। धूम्रपान वाला साथ में माचिस जरूर रखता है। अनुराग के बैग में माचिस थी और किस्मत से उनका बैग भी वाटरप्रूफ था। गंगा जी के पार घने जंगल में अंधेरा हो चला था। अनुराग ने माचिस से आग जला ली ताकि जंगली जानवर पास ना आए, लेकिन बाद में पेड़ पर चढ़ जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि जंगली जानवरों की आवाजें बढ़ती ही जा रही थी, जिनमें सबसे खतरनाक आवाज थी टाइगर और हाथियों की। आपको याद दिला दूं कि राजा जी नेशनल पार्क में 38 टाइगर्स हैं और करीब 500 जंगली हाथी भी हैं, और ये सारे अच्छे तैराक होते हैं। सारी रात पेड़ पर गुजारते वक्त अनुराग यही सोच रहे थे कि टाइगर और हाथी तो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन कहीं लेपर्ड ना आ जाए। लेकिन अनुराग की किस्मत अच्छी थी, लेपर्ड नहीं आया। सुबह होने के बाद अनुराग ने इंसानी आबादी के पास जाने का सोचा, लेकिन घने जंगल में वो और भटकते चले गए। पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद अनुराग की हिम्मत जवाब दे रही थी। अब फिर रात हो रही थी, फिर उनकी माचिस काम आई। अनुराग ने आग जलाई और रात पेड़ पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करते हुए गुजारी। तीसरे दिन सुबह होने के बाद अनुराग ने रास्ता खोजना जारी रखा और पहुंच गए गंगा के किनारे। वहां से हरिद्वार का शादानी घाट दिख रहा था, लेकिन चिल्लाने पर
आवाज नहीं जा रही थी। फिर अनुराग की माचिस काम आई और अनुराग ने आग जलाई, इस उम्मीद से कि आग के धुएं से शादानी घाट के लोगों का ध्यान अनुराग की तरफ जाएगा। वही हुआ, ईश्वर कृपा से आग के धुएं पर हरिद्वार सप्तऋषि पुलिस चौकी के स्टाफ की नजर पड़ गई और उन्होंने जल पुलिस को इन्फॉर्म किया। जल पुलिस की टीम ने यह जानना चाहा कि आखिर यह आग क्यों और कैसे लगी है। पुलिस ने एक राफ्ट से गंगा नदी पार की। पुलिस को आता देखकर अनुराग ने जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू कर दिया और पुलिस की नजर अनुराग पर पड़ गई और पुलिस अनुराग के पास पहुंच गई। जब पुलिस ने अनुराग को ढूंढा तब वो बुरी तरह से कांप रहे थे और भूख से उनका बुरा हाल था। पुलिस ने अनुराग को कपड़े चेंज कराए और भोजन कराया। शरीर पर चोट नहीं थी लेकिन अंदर से अनुराग बहुत ही डरे हुए थे। हरिद्वार पुलिस ने अनुराग के नॉर्मल होने के बाद उनको उनके गांव नांगल सोती बिजनौर भेजने का इंतजाम कराया। तो दोस्तों, इस तरह से हुआ रियल मैन वर्सेस वाइल्ड। दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी मैन वर्सेस वाइल्ड की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।